بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى صدق الله العظيم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول सलाम का शनवा तुल का यह हबीब सलामिका या रसूल अलैका या हबीब सलाई का अब मैन गाहू में अब मेरी ऋण गाहूँ मै जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों जचता रहमान रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लभ कुशाई का मौक़ा मिला है उसका है तालीम नस्वाँ वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग उसी के साथ से ज़िंदगी का सोदे सोदे सोजे दरूँ तलीम नस्वं यानी औरतों की तालीम और उसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें उस वक्त होगा जब हम में औरत की अहमियत को जानेंगे क्योंकि किसी भी माशरे या कौम की तरक्की और इस्तेकाम का तमाम दारदार औरत पर होता है क्योंकि औरत वो हस्ती है जिसकी आगोश में अम्बिया ओलिया और नेक लोग परवरिश पाते हैं इसलिए इसकी तालीम और तरबियत से इनकार मुमकिन नहीं एक माँ की गोद को बच्चे की पहली दरसगा करार दिया गया एक मशहूर दा, एक दाना का मशहूर कॉल है कि एक बच्चे का जहन एक कोरे कागज़ की मानद होता है जिस पर हम जो कुछ चाहें रकम कर सकते हैं लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता इसलिए ज़रूरी है कि इस आगोश की तरबियत की जाए इसे तालीम दी जाए ताकि अगर इसे तालीम नहीं दी जाएगी तो आला किरदार के हामिल अफराद पैदा नहीं हो सकते बकोर शायर आगोशें सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं आगोशें सदफ जिसके नसीबों में नहीं वो कतरा पन्हा बनता नहीं कभी गोहर औरतों की तालीम की अहमियत का अंदाज़ा हमें उस वक्त होता है जब हमें माशरे में ऐसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है जिनका हल सिर्फ़ औरतों के पास होता है अगर हमारे माशरे की औरतें तालीम याफ़्त नहीं होंगी तो स्कूलों में बच्चियों को तालीम देने के लिए अस, उस, खातून इस हमें मुहैया नहीं होंगी इस तरह हमारी बच्चियाँ तालीम हासिल नहीं कर सकेंगी एक एक तलीम याफ़्ता औरत अपने घर का नजमो नस्क बहुत अच्छे अंदाज़ में चला सकती है वो उस वक्त अपने घर में मुलाजमत करके जब उसके घरेलू हालात दुरुस्त ना हो, अपना घर अपने घरेलू हालात को बेहतर अंदाज़ में चला कर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छे अंदाज़ में कर सकती है हम अगर तारीख़ के औरक पलटें तो हमें ऐसी बहुत सी खातं नज़र आएंगी जिन्होंने तलीम हासिल करके अहम कारनामे सर अंजाम आपका नाम जी मेरा नाम खदीजा अंसारी है आपकी तालीम एम ए बी एड तो स्कूल का नाम स्कूल का नाम अलामा नर्सरी स्कूल एंड फातमा गर्ल्स हाई स्कूल ये कहाँ पर वाक़ ये रावला कोर्ट सप्लाई बाजार में वाक़ है और 1982 से अलहमदिल्ला ये काम कर रहा है तो किस तरह शौक़ हुआ इस कोई ख़ानदानी बस की थी आपकी नहीं इससे पहले हमारे ख़ानदान में तो कोई ऐसा वो नहीं था रिवायत नहीं थी कि हम बाहर निकल के काम करें बहरहाल मेरे नाना और दादा जो है वो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की कि जो इल्म हासिल किया है उसको अपने तक महदूद नहीं रखना उसको आपने फैलाना है और यही सबसे बड़ा मोटो लेके जो है मैं इस पेशे में आ हूँ तो उनका सरदार खान साहब इस स्कूल के बानी हैं उन्होंने 1979 में अंजमन फ़लाह बहबूद के नाम से एक कंपनी बनाई और इसका इजलास जो है वो जून में हुआ जिसमें रावला कोर्ट के अमायदीन बहुत से एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरेक्शन जो है वो शामिल हुए जी जी तो उन सब ने महसूस किया कि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि इल्म की रोशनी जो है उससे जहनों को रास्ता किया जाए और नौजवान जो इस वक्त अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं वो अपना वक्त जो है मुस्बत तरीके से पॉजिटिव कामों में सर्फ करने लगी इसी को मद्देनजर रखते हुए ये अंजुमन कायम की गई उसने फलाह बहबूद के और भी बेशुमार काम किए जैसे सी एम एच में पंखे वगैरह लगा दिए मस्जिद के साथ टंकी बनवा दी कोई गरीब बेवा है उसकी मदद कर दी लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पर ये दो बड़े इदारे उन्होंने कायम किए उमर वाइज हाई स्कूल के नाम से और अमामा इकबाल स्कूल और फातिमा गर्ल्ज़ हाई स्कूल के नाम से इसका प्राइमरी विंग जो है वो अमा इकबाल के नाम से जो है वो काम कर रहा है और इसका सिक्स टू टेंथ लड़कियों का हिस्सा जो है वो फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से और सिक्स टू टेंथ बॉयज़ जो है ना वो उमर बॉयज़ स्कूल कहलवाया करता था तो सरदार साहब हाँ का जो है वो मोटो यही था के इस सोसाइटी को जो है इल्म की रोशनी से मनवर किया जाए एंड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट लो कॉस्ट क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था कहाँ पढ़ाएँ इसलिए बिल्कुल मामूली सी फीस पर यह इदारा जो है कायम किया और इदारे की बिल्डिंग अपनी है और ये बिल्डिंग भी उन्होंने तमाम वालदे जो उस वक्त अपने बच्चों को यहाँ तालीम दिलवाते थे उनसे सिर्फ पाँच रुपये चंदा लिया जाता था Uh, 1982 की बात कर रही हूँ ठीक है uh, जब रिश्तेदारे की पहली रजिस्ट्रेशन हुई मीरपुर बोर्ड से तो तो ये सारी बिल्डिंग जो है अपनी मदद आपके तहत ट्यूशन फी और जो फाइव रुपीस कलेक्ट होते थे उसी से बनाई गई है और मेरा ख्याल है ये इस धरती का ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि सरदार साम जैसा करेक्टर और कहीं आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ तक कि एक पेपर पिन भी वो सरकारी लेना पसंद नहीं करते थे कोई पेरेंट्स डे हमने रखा है या हमें वालदे हम रखा है या एनुल डे हम मना रहे हैं तो उसमें उनकी कोशिश होती थी कि कोई इंटेलेक्चुअल, कोई इमो अदब से ताल्लुक़ रखने वाला जो है उसी को मेहमान खसूस के तौर पर बुलाया जाए और किसी सरकारी अफसर या सरकारी बंदे को बुलाना वो पसंद नहीं करते थे उसकी वजह ये थी कि अपनी मदद आपके तहत इज़्ज़त नफ्स के साथ उन्होंने इदारे को खड़ा किया और उन्हीं उन्हीसूलों पर उन्हीं पॉलिसीज़ पर हमारा इदारा चल रहा है फीस आज भी बाकी इदारों के मुकाबले में बहुत कम है और कोशिश ये होती है कि एजुकेशन के साथ साथ जो आज नापैद हो चुका है सरदार साहब का मोटो था कि एक करेक्टर बिल्डिंग जो है वो हमारा अवली मोटा है इसमें और इसमें हम किस हद तक कामयाब हुए ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ शोबों में इस वक्त हमारे बेशुमार स्टूडेंट जो हैं, वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद खिदमत अंजाम दे रहे हैं और एक छोटा सा वाक्य मैं यहाँ आपके सामने रख देती हूँ जो सरदार साहब की ज़बानी ही हम यहाँ सुना करते थे जब हमारी मीटिंग होती थी एक एक क्लास के लिए हम कई कई दिन लगा दिया करते थे कि जी अगर किसी को नहीं आ रहा तो वो कहते थे कि जी मैं इंग्लिश के प्रोफ़ेसर साहब से पूछूंगा केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब से पूछूंगा हालांकि क्लियर होते थे लेकिन फिर मजीद तहकी के लिए हम ऐसा किया करते थे तो एक दफ़ा एक बच्चा जो है वो सड़क पर जा रहा था आगे आगे एक बुज़ुर्ग थे उनके हाथ में शॉपर थे वो हाथ से शॉपर छूटे उनका सामान सड़क पर गिर गया वो बच्चा लपक के आगे बढ़ा उसने अपना बैग एक तरफ़ रखा और उनकी सारी चीज़ें उठा के शॉपर में डाली और उनको दे दी तो सरदार खान साहब जो है वो भी पीछे चले आ रहे थे वो देख रहे थे उन्होंने उस बच्चे को बुला के पूछा कि बेटा आप कौन है नाम पूछा कहाँ पढ़ते हैं उसने बताया कि जी मैं उमर बॉयज स्कूल में पढ़ता हूँ तो कहने लगे कि बस इस बच्चे को देख के मेरा सिरों खून बढ़ गया और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया मुझे तो तोमद लड़कियों की तरबियत के हवाले से भी ऐसे ही जज्बा थे और यहाँ जो स्टाफ भर्ती किया जाता था इशतहार जो दिया जाता था जंग में या नवाबक में या जिस अखबार में भी उसमें खूसी तौर पर लिखा हुआ हो, होता था कि इस्लामी शयर की पाबंद ख़वातियों को तरजीह दी जाएगी और पंजाब के लोगों ने इसकी बुनियादों में बहुत काम किया और अर्थक्युग के बाद जो है वो बहुत कम हो गए लोग और दूसरी बात ये कि अलहमदिल्ला इस इदारे से जो बच्चियाँ पढ़ के गई थी वो एक बहुत अच्छी क़वत जो है वो तैयार हो चुकी है जो एजुकेशन फील्ड में के मैदान में बैंकों में भी आपको नजर आएंगी ऑफिस में भी इस वक्त बहुत सारी हमारे स्टूडेंट जो पंजाब में भी काम कर रहे हैं एक बच्ची हमारी कनेट कॉलेज में इस वक्त पी एच डी क्लासेस को पढ़ा रही है सादिया अरशद नाम है उस बच्ची का और भी माशा जी तो ये आप देख सकते हैं आप सर्वे करेंगे मुख्तु जगहों का तो आपको ज़रूर वहाँ पर इस तरह के करेक्टर जो है मिलेंगे अभी हमारा एक स्टूडेंट यहाँ से जो पढ़ के गया हुआ है आमिर हफीज शहीद का नाम आप सुनिए सुना होगा उसका भाई है अजमल हफीज तो वो इस वक्त फौज में कर्नल है एजुकेशन कोर में नहीं। नहीं। और एक और स्टूडेंट हमारा भी मुझे किसी ने बताया था वो भी ब्रिगेडियर के रैंक में शामिल हो चुका है तो कोई डिपार्टमेंट अलहमदिल्ला ऐसा नहीं जहाँ इसके पढ़े हुए बच्चे खिदमात अंजाम ना दे रहे हों कोई पैगाम दें बच्चों के वाले को अपने स्कूल की तरफ से जी वालदेन के लिए यही पैगाम है कि अपने बच्चे को जब माँ की गोद से निकालें मादरे इल्मी की आगोश में देने जाएं तो उसकी सराउंडिंग उसके अराज मकासद जो है वो ज़रूर देख लें कि कौन सा इदारा उनके बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर होगा तो इस इदारे का मोटो आज भी वही है जो पहले था इसलिए ना हम किसी सियासत में पढ़ते हैं ना किसी रंग ढंग में पढ़ते हैं हमने आज से तीस साल पहले एक जो है वो निज़ाम वज़ा कर लिया था उसी के मुताबिक हम काम कर रहे थे अब उसमें हमें कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं तो इन कोशिश ये होगी और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जैसे हमारे हालात थे वैसे फिर से चलते चले जाएंगे और इल्म के मैदान में जो सरदार साहब का एक टारगेट था उसको हमने अचीव किया यानी ये तो मुख्त डिपार्टमेंट में जहाँ लोग काम कर रहे हैं वही आपको बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर या आप खुद पटक सकते हैं कि कहीं आपको जाना पड़े आप देखें कि आपको किस तरह से वो डील कर रहे हैं क्या खिदमा अंजाम दे रहे हैं तो वालदेन के लिए पैगाम यही है कि अपनी सोसाइटी में ज़रूर नज़र डाल हर डिपार्टमेंट में यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा जो है खदम अंजाम दे रहा है और सिर्फ यही नहीं कि हम डिग्री के लिए या सनत के पीछे भागें करेक्टर साजी हमारा जो है पहला असूल है मुझे पता है आज के दौर में लोग इस बात पर हंसते हैं कि जी आप क्या सीरत की तमीर करेंगे ये तो वालदेन का फ़र्ज़ है लेकिन मैं समझती हूँ कि फिफ्टी परसेंट जो है वो उसमें इस रोल है और इस की तस्वीर जो है बच्चों के जहन में ऐसी पेवस्थ होती है कि वो उससे सीखते चले जाते हैं और उसे गैर शौरी तौर पर अपनाने की कोशिश करते हैं तो वालदे के लिए मेरा यही पैगाम है कि जब भी वो अपने बच्चे को या बच्ची को मादर इलमी के आगोश में डालने के लिए लाएँ तो उसके सराउंडिंग्स उसका माहौल उसके अकराज मे ज़रूर देख लें थैंक यू तो तो वेलकम